सुपर एलेक्स इंडिया, मैं डॉक्टर अर्पित आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो टॉपिक है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा समझना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जो है रिकवरी बहुत स्लो होती है। पेशेंट उम्मीद छोड़ देता है कि हम ठीक हो पाएंगे, और यदि ऐसे में आपका सही ज्ञान, आपका सही तरीका अगर उस पेशेंट को इम्प्रूव करने में मदद करता है तो आप उसके लिए भगवान के समान पूजनीय हो जाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसमें रोगी जो है वो दूसरों पर निर्भर ज़्यादा हो जाता है। वो खुद से काम नहीं कर पाता, अपना काम खुद नहीं कर पाता, उसकी विल पावर जो है वो स्ट्रांग नहीं रह पाती, उसकी विल पावर टूट जाती है, कम हो जाती है, उसकी इच्छा शक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। साथ ही ऐसी स्थिति में उसे दूसरों की मदद की ज़रूरत होती है। जी हाँ, हम लकवे की बात आज करने वाले हैं, हम पैरालिसिस की बात आज करने वाले हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा बारीकी से समझने की ज़रूरत होती है। बहुत ज़्यादा सही तरीके से डायग्नोसिस अगर आप कर पाते हैं, उस पेशेंट को सही एडवाइस आप कर पाते हैं, तो आप इस चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे और इस पे जल्दी से जो है आप पॉजिटिव रिजल्ट ले पाएंगे। कई बार फील्ड में हम जाते हैं तो हमें बहुत पुराने पेशेंट मिलते हैं लकवे के, और लकवे में एक धारणा बनी हुई है कि बीमारी जो है अगर बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई तो उसको ठीक करना मुश्किल है। आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि लकवा कहीं ना कहीं हमारे नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ है, हमारे तंत्रिका तंत्र से जुड़ा हुआ है, हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की जो है असामान्य अवस्था को लकवा कहा जाता है। पक्षाघात यानी कि लकवा, और जब कभी ये लकवा मुँह का होता है तो इसे फेशियल पैरालिसिस या अर्धित कहा जाता है, जिसमें आवाज़ चली जाती है, मुंह से लार टपकना शुरू हो जाती है, रात को सोते हैं तो मुंह खुला रहता है, कई बार आंखें भी खुली रहती है, बोलने की जो है क्षमता ख़त्म हो जाती है। तो जब कभी आपको कोई लकवा का पेशेंट मिलता है तो उसमें किस तरह की चीज़ें हम देखते हैं, तो एक तो सबसे पहले आपने देखा होगा कॉमनली ऐसा होता है कि हाथ पैर चलना बंद हो जाते हैं, जैसे हाथ का मूवमेंट ख़त्म हो गया, मुट्ठी बंधी है तो बंधी रह गई या खुली है तो वापस से मूवमेंट फिंगर्स की नहीं हो पा रही है, कई बार पैर जो है काम करना बंद हो गया, आप चलने में जो है असमर्थ हैं, ऐसे जो है लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। कई बार पेशेंट की आवाज़ वॉइस जो है वो चली जाती है, वो बोल नहीं पाता या उसका जो है फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो बिगड़ जाता है। साथ ही लिखने में दिक्कत आना भी एक इसमें प्रॉब्लम में आता है, जैसे कई बार हाथों में अगर लकवे का इफेक्ट आता है, पक्षाघात का अगर आता है, तो आपके लिखने की क्षमता जो है वो चली जाती है। कई बार हाथ और पैर पतले होने लग जाते हैं, शरीर का एक हिस्सा भी कई बार इसकी चपेट में आता है, मतलब आपका एक हाथ और एक पैर सही काम कर रहा है, शरीर का आधा हिस्सा है वो बराबर प्रॉपरली वर्क कर रहा है, लेकिन शरीर का दूसरा हिस्सा है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहा, ऐसा जो है वो भी जो है बहुत ज़्यादा जो है लकवे की परेशानी में होता है। और यदि ऐसे में अगर एक बात ध्यान रखी जाए कि तुरंत जो है अगर उसको ट्रीटमेंट मिल जाए, उसको सावधानी रखी जाए, तो आप इस पर ओवरकम कर पाते हैं। एक बार इसी सिलसिले में मैंने देखा था कि ऐसा बताया जाता है, अनुभवियों ने ऐसा बताया है कि यदि किसी को लकवा हो जाए और आपको तुरंत पता लग जाता है, तो गौ घृत यानी गाय के घी या फिर अणु तेल जैसी आयुर्वेदिक औषधियों का नस्य अगर किया जाए तो तुरंत जो है इसके इफेक्ट को बढ़ने से रोका जा सकता है। लेकिन ऐसा फील्ड में देखने को कई बार मिलता नहीं है कि हम जो है इस चीज़ को तुरंत जो है कैप्चर कर पाएँ, या पेशेंट घबरा जाता है और वो समझ नहीं आता उसको कि उसको किस तरह से जो है डील करना है। तो हम पूरी पॉइंट टू पॉइंट इस सिलसिले में आज बात करने वाले हैं, और साथ ही इसके उपचार के बारे में हम बात करेंगे कि डॉक्टर्स एडवाइस में जो है किस प्रकार से इसका ट्रीटमेंट और पर्टिकुलरली किस प्रकार की मेडिसिन क्या काम करती है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कारण के बारे में, कारण इस लकवे आने का कारण क्या है। देखिए, जो व्यक्ति तनाव ज़्यादा लेता है, चिंताग्रस्त रहता है, जिसको टेंशन ज़्यादा रहती है, जिसकी उम्र भी मतलब उम्र बढ़ने के साथ साथ तनाव बढ़ते जाते हैं, जिसको अलग अलग प्रकार की मानसिक परेशानियां होती है, उन लोगों को लकवा होने के चांस होते हैं। साथ ही पक्षाघात का एक बहुत बड़ा जो कारण है वो है हाई ब्लड प्रेशर, रक्तचाप जो है उसका बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना जो है वो भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। साथ ही अनिद्रा और मानसिक चिड़चिड़ापन भी इस बीमारी को एग्रेसिव बनाती है, हमारे शरीर में होने के चांसेस रहते हैं।
जैसे ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ के रोगियों में क्या होता है जनरली कि उनका नर्वस सिस्टम प्रॉपरली उनको सपोर्ट नहीं कर पाता, ब्रेन को न्यूट्रिशन प्रॉपरली नहीं मिल पाता। और आपने कई बार देखा होगा कि पेशेंट जो है वृद्धावस्था में हाथ पैर सुन्न होने की शिकायत करते हैं, उनके हाथ पांव बार बार सुन्न हो जाते हैं, उनकी गर्दन झुकी रहती है, वो अपने मूवमेंट्स जो है प्रॉपर नहीं कर पाते। तो ये एक प्रकार का जो है शुरुआती लक्षण है कि आप जो है इसमें लकवे की चपेट में आने वाले हैं या लकवे की शुरुआती स्टेज में आप जो है एंटर कर चुके हैं। तो ऐसे में ध्यान देना बहुत ज़रूरी हो जाता है, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो पैरालिसिस का अटैक यदि आता है तो शुरुआत में यदि सही से केयर की जाए, आपके पास यदि रोगी पहुंच जाता है और आप उसका सही से बीमारी का पता लगा के उसको ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, ज़रूरी प्रोडक्ट्स उसको प्रोवाइड करवा देते हैं, तो ज़रूर जो है आप उसकी रिकवरी जो है मैक्सिमम करवा पाते हैं। और साथ में शुरुआती दौर में रिकवरी की स्पीड भी ज़्यादा होती है क्योंकि ब्रेन जो है अपनी आदतों को भूला नहीं होता है शुरुआत के समय में, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है ब्रेन की हैबिट्स पर्टिकुलर उस काम को करने की जो है कम हो जाती है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे छोटा बच्चा जो होता है उसको आपको सब चीज़ें सिखाना होती है क्योंकि उसके ब्रेन को पता नहीं होता कि किस तरह से बातचीत की जाती है, कौन सी भाषा किस तरह से हेलो हाय किस तरह से किया जाता है, किस तरह से हाथ को मूव करके हम खाना खा सकते हैं। उसी प्रकार से लकवे के अटैक में भी हमारा ब्रेन या पर्टिकुलर डैमेज पार्ट जब रिकवर होता रहता है तो वो ये चीज़ें भूल जाता है। जैसे जो है कई बार पेशेंट जो है वो मुट्ठी नहीं खोल पाता या लिखने का जो है प्रॉब्लम पेशेंट को रहता है, तो यदि आप उससे उस चीज़ का अभ्यास करवाएंगे तो आपको जो है रिजल्ट आने में रिकवरी लेने में ज़्यादा आसानी होगी। तो सबसे पहले स्ट्रोक के प्रकार को जो है जानना ज़रूरी होगा कि किस प्रकार से जो है हमारे शरीर में कितने टाइप का स्ट्रोक होता है और उसको हम किस प्रकार से समझ पाते हैं। तो स्ट्रोक जो है एक होता है इस्केमिक स्ट्रोक, मतलब इस्केमिक मतलब ब्लड सप्लाई कम हो जाना। जो मेडिकल फील्ड से नहीं है उन्हें तसल्ली से इस बात को समझना है, स्ट्रोक को समझना बहुत ज़रूरी है इलाज करने से पहले, और उसके अनुसार उसके जो प्रिकॉशंस हैं प्रोडक्ट तो आपके डॉक्टर्स एडवाइस में लिखे हुए हैं, मैं बताऊंगा भी सही, और उनकी एक एक की स्पेसिफिक यूज़ जो है मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन आपको उसको किस प्रकार से प्रिकॉशन उसको बताने हैं, किस प्रकार से उनको दैनिक दिनचर्या वाली जानकारी हमें देना है, ये बहुत ज़रूरी है। तो इससे में कि स्ट्रोक जो होता है उसमें क्या होता है कि ब्रेन में जो ब्लड सप्लाई होता है, ब्रेन का जो रक्त सप्लाई जो होता है उसमें किसी भाग में अगर प्योर ब्लड नहीं पहुँच पाए ब्लॉकेज के कारण जो है, जैसे मान लीजिए पर्टिकुलर बोलने का जो एरिया है हमारे ब्रेन में, जो पर्टिकुलर हमें बोलने का जो सेंस जो जाता है उस एरिए को अगर ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हुआ तो हमारी आवाज़ जा सकती है। अगर पर्टिकुलर हमारे हाथ को कोई इन्फॉर्मेशन ले जाने वाला भेजने वाला जो एरिया है, हमारे हाथ से कोई इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचने पर जो एरिया उसका एनालिसिस करता है वो एरिया अगर डैमेज हो जाए तो उसकी वजह होती है वहाँ पर अगर कोई ब्लड क्लॉट आ जाए, उस वेसल्स में रक्त का थक्का आ जाए तो वो हिस्सा काम नहीं कर पाता और उससे होने वाले सारे काम जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो काम प्रभावित हो जाते हैं। एक जो स्ट्रोक होता है उसमें जो है हमारे ब्रेन में ब्लीडिंग हो जाती है, जो है रक्त जो है नस फटने के कारण ब्लीडिंग हो जाती है, जिसको हिमोरेजिक स्ट्रोक कहते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि ब्रेन की नस फट गई, आप ज़्यादा तनाव लेंगे तो भी ऐसा होगा, आपका ब्लड प्रेशर असामान्य रहता है तो भी ऐसा होगा, या किसी एक्सीडेंट के कारण चोट के कारण जो है आपके ब्रेन की नस फट जाती है और पर्टिकुलर उस एरिए को रक्त का प्रवाह नहीं मिल पाता, रक्त की उपलब्धता नहीं हो पाती, ऑक्सीजन सप्लाई जो है प्रॉपरली नहीं हो पाता, तो भी लकवा हो जाता है और शरीर के उस हिस्से का काम करना बंद हो जाती है। दो प्रकार का लकवा होता है, एक तो होता है इस्केमिक स्ट्रोक और एक होता है हेमरेजिक स्ट्रोक। इस्केमिक में जो है ब्लड क्लॉट आ जाता है और पर्टिकुलर एरिया को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। साथ ही दूसरे प्रकार का जिसमें ब्लड सप्लाई तो प्रॉपर होता है लेकिन कहीं कहीं नस फट जाने के कारण रक्त प्रवाह सामान्य हो, इसका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो मैं आपको अभी लकवे के बारे में जानकारी दे रहा हूँ, तो दिमाग की बात इसमें आती, मस्तिष्क की बात हम इसमें करने वाले हैं। देखिए हमारे दिमाग के पास एक ऐसी अद्भुत क्षमता होती है कि वह अपने काम को वापस से रिस्टोर कर पाए। जैसे लकवा या कोई भी प्रॉब्लम ब्रेन को हुई है तो उसमें क्या होता है कि पर्टिकुलर भाग डैमेज हो जाता है और यदि हम ट्रीटमेंट सही से ले पाते हैं
तो हमारे सेल्स वापस से रीजनरेट होके, वापस से रीस्टोर होके और अपने काम को वापस से ठीक करने की कोशिश करते हैं। और ये कैसे होता है, अल्टरनेट पाथवे बना के एक उसका दूसरा रास्ता तैयार किया जाता है और उस रास्ते से, उस विकल्प से हम अपने बोलने की क्षमता या लकवा जिस भाग को प्रभावित करता है उसको रीस्टोर करने की क्षमता को वापस से जो है ठीक कर पाते हैं। इस प्रक्रिया को हमारी भाषा में, मेडिकल लैंग्वेज में है न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है, यानी विकास करने की क्षमता। दिमाग के विकास करने की क्षमता जो है वो प्रॉपरली डेवलप लगातार होती रहती है और बचपन में ये बहुत ज़्यादा होती है, जैसे जैसे युवावस्था होती है आती है ये थोड़ी सी कम होती है और वृद्धावस्था तक पहुँचते पहुँचते ये प्रक्रिया ना के बराबर रह जाती है। तो दिमाग के विकास करने की अवस्था या क्षमता को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। अब उम्र के साथ साथ इसका जो है प्रभाव या इसकी क्रियाशीलता कम होती जाती है। पक्षाघात में या लकवे में हमें क्या करना है, तो आयुर्वेद में पक्षाघात को वात से संबंधित बीमारी माना गया है। वात, पित्त और कफ, इन तीनों में जो है वात का रोल जो है लकवे में होता है। हमें इस वात के इम्बेलेंस को, वात के असंतुलन को सामान्य करने का प्रयास करना है। पक्षाघात में न्यूरोप्लास्टिसिटी की प्रोसेस को वापस से शुरुआत करना है, मतलब दिमाग के अपने आप को विकसित करने के क्रम को शुरुआत करना है, इसकी स्पीड, ताकि इस स्पीड न्यूरोप्लास्टिसिटी को ठीक करके मस्तिष्क का जो हिस्सा काम नहीं कर पा रहा है उसका एक अल्टरनेट पाथवे जो है हम जनरेट कर पाएँ, वापस से अपना काम कर पाएँ। इसके लिए हमें क्या करना होगा, बार बार प्रयास करना होगा, बार बार जो हमें मेहनत करना होगी उस पर। जैसे मान लीजिए आपके पैर काम नहीं कर रहे हैं तो आपको चलने की कोशिश, चलने की प्रक्रिया को बार बार रिपीट करना होगा, चाहे किसी के सहारे से चलें मगर उस भूलने की कोशिश न करें। जैसे कई बार क्या होता है, आपका हाथ काम, आपका हाथ जो है वो बार बार काम नहीं कर रहा, ऐसे में आप लिख नहीं पाते। तो यदि आप बार बार कोशिश करके लिखने की हैबिट को बनाए रखेंगे तो आपकी राइटिंग भी वैसी की वैसी सुधर जाएगी और आप लिखने की प्रक्रिया में अपनी फिंगर्स का मूवमेंट भी अच्छे से कर पाएंगे। लेकिन क्या होता है कि विल पावर कमज़ोर होने के कारण, इच्छा शक्ति कम होने के कारण पेशेंट जो है इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देता और सिर्फ मेडिकेशन पर, ट्रीटमेंट पर जो डिपेंड हो जाता है। तो हमें पेशेंट से जब मिलते हैं लकवे के रोगी से तो उसे बार बार मोटिवेट करके उसके अभ्यास करने की प्रक्रिया को बढ़ावा देना है। अभी आपने देखा होगा कि यदि आपके आसपास कोई पैरालिसिस का रोगी है तो जब उसको इस लकवे का अटैक आया था तो उसके हाथ या पैर काम नहीं कर रहे थे, उसको पर्टिकुलर वो हिस्सा जो है वो काम करना बंद हो जाता है। ऐसे में जैसे ही हम उसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं शुरुआती दौर में तो उसको कुछ दिनों तक तो बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट दिखता है, लेकिन आगे जाके इम्प्रूवमेंट रुक जाता है, इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाता और इसीलिए वह पूरी तरह से रिकवर नहीं कर पाता, ठीक नहीं हो पाता। और इसकी वजह यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ, अभ्यास की कमी। तो जब आप किसी लकवे के रोगी से डील करते हैं, जब आप किसी लकवे के रोगी को अपने आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स देते हैं, अपने एलेक्स के प्रोडक्ट उसको सजेस्ट करते हैं, तो उसको अभ्यास करने की, उसको मोटिवेट करने की कोशिश बार बार करें, उसको ये समझाएं कि अभ्यास उसके लकवे से प्रभावित अंग को ठीक करने में उसकी मदद करेगा। अभी आपको एक बात ध्यान रखना है कि आपने ये देखा होगा कि इस प्रकार के जो रोगी होते हैं उनको मॉडर्न मेडिसिन में ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ चलाई जाती है, मल्टी विटामिन्स चलाए जाते हैं एलोपैथी वाले, और साथ ही कोलेस्ट्रॉल कम करने की, खून पतला करने की दवाइयाँ चलाई जाती है। लेकिन मस्तिष्क के लिए ज़रूरी या न्यूरोप्लास्टिसिटी को रीजनरेट या स्पीड बढ़ाने के लिए ज़रूरी मेडिसिन नहीं होती और यही वजह है कि पेशेंट पूरी तरह से रिकवर नहीं कर पाता। हमने एलेक्स के प्रिस्क्रिप्शन को, डॉक्टर्स एडवाइस को इसी तरह से डेवलप किया है, इसी तरह से प्रेजेंट किया है कि हम जो है ये न्यूरोप्लास्टिसिटी की प्रोसेस को या दिमाग के विकास करने की प्रक्रिया को रीस्टोर कर पाएँ और जिस भाग में लकवा आया है दिमाग से रिलेटेड उस भाग को जो है हम ठीक करें। देखिए फिजियोथेरेपी में क्या होता है, जो लोग फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज करते हैं वो अपने हाथ की मूवमेंट को बनाए रखने के लिए, मसल्स को स्पाज्म होने से रोकने के लिए या स्टिफनेस होने से रोकने के लिए, मसल्स को डेथ होने से रोकने के लिए एक्सरसाइज करवाते हैं, लेकिन फिर भी ट्रीटमेंट अधूरा कहाँ रहता है, दिमाग को ज़रूरी न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, वो हिस्सा जो दिमाग का डैमेज हुआ है उसको ज़रूरत है प्रोटीन की या ऐसे बिल्डिंग ब्लॉक की जो उस हिस्से को वापस से रीजनरेट कर सके।
तो मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि जब कभी आप पैरालिसिस के पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं या उसको एलएक्स के प्रोडक्ट प्रिस्क्राइब करते हैं, उसको सजेस्ट करते हैं, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको प्रॉपर एक्सरसाइज अभ्यास भी करवाना है। एक्सरसाइज का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का हाथ पैरालाइज्ड हुआ है, अगर हाथ पैरालाइज्ड हुआ है तो उसको हाथ की एक्सरसाइज के साथ लिखने का अभ्यास भी आप करवाते रहें। ये जो छोटी छोटी एक्सरसाइज होती हैं, ये महीने, डेढ़ महीने, दो महीने में आपको एक विजिबल इम्प्रूवमेंट प्रोवाइड करने में मदद करेंगी। जैसे मान लीजिए किसी के मुंह से लार गिर रही है और बोलने की जो है वो प्रक्रिया उनकी जो है वो अवरुद्ध हो गई है, बोलने में अक्षम हो गया है, बोलने की क्षमता खत्म हो गई है, तो आपको जो है मुँह संबंधी व्यायाम पूरे करवाने हैं, उसको बोलने की भाषा, बोलने की प्रैक्टिस करवानी है, ताकि वो जो है अपना ब्रेन का जो पर्टिकुलर स्पीच एरिया है वो बोलने की हैबिट्स को भूले नहीं कि किस प्रकार से हम बोल पाते हैं। यदि रोगी का सही इलाज नहीं किया जाए तो आगे जाकर लकवे का वो प्रभावित हिस्सा है वो पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है। ऐसे में रोगी की हालत और ख़राब हो जाती है और कई बार लकवे का रोगी बिस्तर पर रह जाता है, वो दूसरों के ऊपर पूरी तरह से निर्भर हो जाता है और इसी कारण से परिवार में जो है लोग उसकी उपेक्षा करना शुरू कर देते हैं और यही कारण से दिमाग जो है हीन भावना का शिकार हो जाता है। तो मोटिवेशन और मेडिकेशन, ये दोनों पक्षाघात के रोगी को, पैरालिसिस के रोगी को ठीक करने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मायना रखते हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो आप जब किसी रोगी से मिलते हैं, चाहे उसको लकवा हुए बहुत लंबा अरसा हो गया हो, आप उसको जो है प्रॉपर जो है उसका मोटिवेशन भी करें और प्रॉपर मेडिकेशन भी करें, मतलब उसको मेडिसिन के साथ साथ अभ्यास करने का जो है क्रम भी उसको बताएं। और इसीलिए आपके अभ्यास को, पेशेंट के अभ्यास को बढ़ाने के लिए, उसकी मसल्स में स्ट्रेंथ देने के लिए हमने प्रिस्क्रिप्शन में इस बात का विशेष ध्यान रखा है कि मेंटली भी उसको किस तरह से उसकी विल पावर बढ़ाई जाए और किस प्रकार से उसके मसल्स की पावर बढ़ा के हम लकवे के रोगी पे जो है उसको जो है सफल हो सकें, उसकी बीमारी को जो है ठीक कर सकें। तो हमें करना क्या है, हमें जो है रोगी के ब्रेन का डेवलपमेंट कराने के साथ साथ उसको अभ्यास की प्रक्रिया भी प्रारंभ करानी है। मस्तिष्क के लिए जरूरी बिल्डिंग ब्लॉक, मतलब शरीर का, ब्रेन का जो हिस्सा डैमेज हुआ है, उस डैमेज पार्ट को रिकवरी करने के लिए, न्यूरोप्लास्टिसिटी को वापस से शुरू करने के लिए अभ्यास के द्वारा और जरूरी न्यूट्रिशन के द्वारा उसकी मदद करना है। तो एलएक्स का ट्रीटमेंट जो है इसमें हमारी मदद करता है। आपको क्या करना है, न्यूरोप्लास्टी रिपीट करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा विटामिन्स, और विटामिन में भी विटामिन डी की ज़रूरत होती है, ओमेगा 3 की ज़रूरत होती है और एंटीऑक्सीडेंट की ज़रूरत होती है। हमारा जो डॉक्टर्स एडवाइस है वो इस रिक्वायरमेंट को पूरी तरह से फुलफिल करता है, मतलब आपको अलग से और सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं होगी। विटामिन डी के लिए आप अपने आहार में हरी सब्जियों और फलों के साथ साथ मशरूम को ज़रूर शामिल करें। विटामिन B12 जो होता है वो लकवे के रोगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और ऐसे में आपने देखा होगा कि एलोपैथी में विटामिन B12 के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, लेकिन इसका जो है हमारे शरीर पर साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं और लीवर किडनी जो है वो इससे जो है आघात पहुंचता है लीवर और किडनी पर। तो हमें आयुर्वेद तरीके से, आयुर्वेद के नज़रिए से इस पर काम करना है, और हमारा डॉक्टर्स एडवाइस जो है इस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करता है। हमारा डॉक्टर्स एडवाइस क्या काम करता है और किस तरह से काम करता है वो मैं आपको एक एक प्रोडक्ट की जानकारी के साथ बताने वाला हूँ। सबसे पहला जो इसमें डॉक्टर्स एडवाइस में इंग्रेडिएंट लिया गया है वो है तुलसी को। तुलसी जो है, मैंने आपको बताया कि रोगों से लड़ने की ताकत को इम्प्रूव करती है, साथ ही न्यूरोप्लास्टिसिटी जो ब्रेन के मतलब डेवलपमेंट को वापस से रीस्टोर करने में हेल्प करती है, हमारे दिमाग के विकास करने की क्षमता को जो है न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है, और इसको रीस्टोर करने में, हमारे खून के, रक्त के प्रवाह को रीस्टोर करने में जो है तुलसी हमारी बहुत मदद करती है। और साथ में सुपरबेरी, देखिए सुपरबेरी के इंग्रेडिएंट में फिर से आपको बता देता हूँ कि इसमें जो है खट्टे फल जो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं उनका यूज़ किया गया है, और ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर फल जो है हमारे ब्रेन के डैमेज सेल को रीस्टोर करने में हमारी मदद करते हैं। मतलब लकवे में, पैरालिसिस में जो ब्रेन का पर्टिकुलर स्पाइन कॉर्ड का जो पर्टिकुलर एरिया जो है डैमेज हुआ है
या उसने काम करना बंद किया है, उस काम को वापस से रीस्टोर करना, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन पहुंचाने में सुपरबेरी जूस जो है वो बहुत अच्छे से आपकी मदद करता है। इसका डोज क्या है, तो सुपरबेरी जूस यानी कि 16 प्रकार के जो खट्टे फल हैं उनके पर्टिकुलर बैलेंस्ड जो है फॉर्मुलेशन का जो जूस है उसको सुपरबेरी जूस हमने कहा है। और उस जूस का प्रॉपर डोज जो है वो रहेगा 20 ml मॉर्निंग में, 20 ml इवनिंग में उसका डोज हमें देना है। अब बारी आती है अगले प्रोडक्ट की और वो है करक्यूमिन। करक्यूमिन पावर के नाम से हम जिसे जानते हैं, करक्यूमिन पावर जो है हल्दी का एक पर्टिकुलर एक्टिव इन्ग्रीडियंट को लेकर बनाया गया है। करक्यूमिन के साथ पावर जोड़ने के पीछे लॉजिक ये है कि इसमें जो काली मिर्च का एक्टिव इन्ग्रीडियंट है पाइपरिन, वो इसमें ऐड किया हुआ है। और ये पाइपरिन क्या काम करता है, करक्यूमिन की वर्क करने की कैपेसिटी को, उसकी एक्टिविटी को कई गुना बढ़ा देता है। बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ाने में जो है काली मिर्च करक्यूमिन के लिए मददगार होती है। ये करक्यूमिन क्या करता है, ये जो है NFKB एक्टिवेशन को रोकता है। ये NFKB एक साइकिल है और इसके एक्टिवेशन को रोकने से शरीर में किसी भी प्रकार के डैमेजिंग को रोका जा सकता है। ब्रेन का जो डैमेज हुआ है, जो डैमेजिंग बढ़ता जा रहा है, उसको रोकने के लिए जो है करक्यूमिन पावर आपकी मदद करता है। ब्लड सप्लाई को नॉर्मल करता है और साथ ही इम्प्योर ब्लड को प्योर करने में करक्यूमिन पावर काम करता है। साथ ही हल्दी जो है मस्कुलर स्पाज्म जो हुआ है उसको ठीक करने में, और जो नर्व सप्लाई जो बॉडी में हो रहा है, जो अवरोध हुआ है, उसको प्रॉपरली ठीक करने में आपकी मदद करता है। तो करक्यूमिन का इम्पोर्टेंस भी उसी प्रकार ज़रूरी है जितना न्यूट्रिशन ज़रूरी है। मान लीजिए आपने ब्रेन के डैमेज हिस्से को ठीक कर लिया, लेकिन वहाँ से पर्टिकुलर जैसे मान लीजिए हाथ में प्रॉब्लम है, तो ब्रेन से हाथ का जो पाथवे है, उस पाथवे में अगर कोई दिक्कत है, उस रास्ते में यदि कोई अवरोध है, उसको ठीक करने में करक्यूमिन पावर आपकी मदद करेगा। अगला जो प्रिस्क्रिप्शन है वो है हार्ट केयर का। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि खून पतला करने की दवाइयाँ जो है इस बीमारी में पेशेंट को दी जाती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने से, ब्लड के गाढ़ा होने से, और साथ ही प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई न होने के कारण भी लकवा आ जाता है। ऐसे में हार्ट केयर जो प्रोडक्ट है उसके इन्ग्रीडियंट में दालचीनी, अर्जुन और हृदय को बल देने वाली औषधियाँ जो है वो शामिल की हुई है। ऐसे में क्या होता है कि हमारे ब्लड को प्योर करके, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करके, हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का सेचुरेशन जो है वो बढ़ाया जाता है, ताकि ब्रेन को जितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत मिलना चाहिए उतनी ऑक्सीजन मिले और प्रॉपरली जो है वो अपना काम कर पाए, शरीर को रेगुलेट करने में या शरीर के सारी प्रक्रियाएं को सामान्य करने में जो है मदद कर पाए, इसलिए हार्ट केयर की ज़रूरत होती है। हार्ट केयर हार्ट की केयर करने के साथ साथ खून का जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है, मतलब गाढ़ापन है, उसको कम करके सामान्य करता है और एज के इफ़ेक्ट को भी रोकता है। जैसे आपने देखा होगा कि पैरालिसिस के पेशेंट ज़्यादातर ओल्ड एज वाले मिलते हैं, तो एज के कारण जो डीजनरेशन बॉडी में होता है उसको रीस्टोर करने का काम जो है हार्ट केयर करती है। डोज जो है मैं वापस से रिपीट करूँगा, सभी के डोज पूरा प्रिस्क्रिप्शन होने के बाद बता दूंगा। तो हार्ट केयर के बाद नंबर आता है फ्लैक्स सीड का। देखिए, जब मैं न्यूरोप्लास्टिसिटी की बात कर रहा था तो न्यूरोप्लास्टिसिटी में क्या हो रहा था कि दिमाग के विकास करने की क्षमता को, अगर मान लीजिए एक हिस्सा काम करना बंद कर गया तो उसी को वैकल्पिक तौर पे वापस से चालू किया जाए, इस प्रकार की प्रक्रिया में ओमेगा 3 का बहुत बड़ा रोल है। और जो वेजिटेरियन डाइट वाले लोग हैं उनको ओमेगा 3 का सबसे रिच सोर्स जो है वो होता है फ्लैक्सीड। फ्लैक्सीड जो है ओमेगा 3 का रिच सोर्स है। तो आपको जो है न्यूरोप्लास्टिसिटी को रीस्टोर करने में, ब्रेन के उस डैमेज पार्ट को ठीक करने में ओमेगा 3 जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसीलिए हमने फ्लैक्सीड को इसमें शामिल किया। ऐसा होता था पुराने ज़माने में कि जब युद्ध लड़ा जाता था और उसमें घोड़ा जो है, घोड़ा वो घायल हो गया, थक के गिर जाता था, तो उसको इन्हीं फ्लैक्सीड का लड्डू बना के और खिलाया जाता था। तो उस फ्लैक्सीड के लड्डू से वो घोड़ा जो है 10 मिनट से लेकर 30 मिनट में वापस से अपनी एनर्जी को रिस्टोर करता था, और युद्ध में भागने या लड़ने की जो प्रक्रिया में उसका जो रोल होता था वो वापस से रिस्टोर कर देता था। तो फ्लैक्सीड जो है क्या करता है, आपकी पूरी बॉडी के स्टेमिना को डेवलप करता है, आपके ब्रेन को ज़रूरी ओमेगा 3 पहुँचाता है, और स्टेमिना बिल्ड होने के कारण आपके मूवमेंट्स को रिस्टोर कर लेते हैं। तो अच्छा, इसके बाद माइंड पावर की बात आती है। मैं आपसे बार बार बात कर रहा हूँ विल पावर की।
तो माइंड पावर क्या करता है, आपकी ब्रेन की उत्तेजनाओं को नॉर्मल करता है, ब्लड सर्कुलेशन को नॉर्मल करता है, आपकी विल पावर और आपके स्टेमिना को अपग्रेड करने में मदद करता है, और साथ ही साथ ब्रेन के टिश्यूज़ को, ब्रेन के सेल्स को जो है एनर्जी लेवल प्रोवाइड करवाता है, एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। इससे जो डैमेज पार्ट है वो ठीक होने में हमारी मदद होती है। इस पूरे लकवे में अभी तक हम ब्रेन की बात करते आ रहे हैं, हमने हाथ पैरों में किस प्रकार से मेडिसिन काम करेगी वो बात करक्यूमिन के अलावा नहीं की। तो ऑर्थो ऑयल जो है वो इसमें आपका बहुत बड़ा मददगार है। अब ऑर्थो ऑयल से क्या करना है ये बात आप बहुत ध्यान से सुने। ऑर्थो ऑयल है वात नाशक या वात शामक औषधियों से बना हुआ एक बहुत बेहतरीन कॉम्बिनेशन। ये आपके वात संबंधी विकारों को ठीक करने में आपकी मदद करता है, नर्वस सिस्टम को काम करने में प्रॉपरली, नर्व पाथवे को ठीक करने में आपकी मदद करता है। लकवे से प्रभावित अंग में यदि मसल स्पाज्म हो गई है, हाथ पतले होना शुरू हो गए हैं, तो वापस से उन मसल्स को रीस्टोर करने में आपकी मदद जो है ऑर्थो ऑयल करेगा। ऐसे में क्या होता है, यहाँ पे लोग क्या गलती करते हैं या हम लोग से क्या गलती होती है, वो ये कि हम ऑर्थो ऑयल जब प्रिस्क्राइब करते हैं लोगों को देते हैं तो उनसे उन्हें यूज़ करने का तरीका सही नहीं बता पाते। देखिए ऑर्थो ऑयल एक्सटर्नली जब अप्लाई किया जाता है तो इसकी प्रॉपर क्वांटिटी आप यूज़ करें, मतलब इसको अच्छे से ज़्यादा मात्रा में लें और पूरी बॉडी पे इसका अच्छे से मसाज करें हल्के हाथ से। हल्के हाथ से मसाज करने के पीछे लॉजिक ये है कि देखिए आपका ऑर्थो ऑयल सिर्फ एक ऑयल नहीं है, ये बहुत सारे मेडिसिन को बॉडी में इंटर करने का एक रास्ता है, एक माध्यम है। तो आप इसको हल्के हाथ से जेंटली अप्लाई करें, हमारी बॉडी में स्किन पे जो रोम छिद्र होते हैं, जो पोर्स होते हैं, वो इसको एब्जॉर्ब करेंगे और ज़रूरी न्यूट्रिशन और ज़रूरी जड़ी बूटियां बॉडी में इंटर करेंगी और पर्टिकुलर प्रभावित अंग तक पहुंचकर उसको ठीक करेंगी। तो आपको दिन में दो बार ऑर्थोकेयर ऑयल का एप्लीकेशन करना है, और पर्टिकुलर यदि आपका एक हाथ और एक पैर लकवे से प्रभावित है रोगी का, तो ऐसे में आपको जो 100 ml की ऑर्थो ऑयल की बॉटल है वो आपको 4 से 5 दिन में पूरी कंज्यूम कर लेनी है। तो डॉक्टर्स एडवाइस में सबसे पहला प्रोडक्ट था वो था तुलसी, जिसकी 8 से 10 बूंद जो है दिन भर में हमें लेना है। दूसरा प्रोडक्ट था सुपर बेरी, जो 20 ml दिन में दो बार हमें लेना है, और ये आप सामान्य पानी मिला के इसका सेवन कर सकते हैं। करक्यूमिन पावर जो है वो एक गोली दिन में दो बार भोजन के बाद लेनी है, करक्यूमिन पावर दिन में दो बार भोजन के बाद लेनी है। अब आता है हार्ट केयर का नंबर। तो जैसा कि लकवे के पेशेंट में या हार्ट रोगी है, हृदय का जो रोगी है, उस पेशेंट में यदि आप हार्ट केयर देते हैं और बेहतर परिणाम चाहते हैं तो हार्ट केयर को भोजन से पहले देना शुरू करें। हार्ट केयर जो है इसमें ऐसी मेडिसिन है जो आपके पाचन को भी ठीक करती है। आयुर्वेद में जड़ी बूटियों में ऐसी क्वालिटी होती है कि एक मेडिसिन बहुत सारे काम करती है। तो आपको हार्ट केयर टेबलेट जो है वो भोजन से पहले लेना है, एक एक गोली दिन में दो बार लेना है। फ्लैक्स सीड, अलसी के बीज जो एलेक्स के हैं, फ्लैक्स सीड जो बनाए हुए हैं, इनको रोस्ट किया हुआ है। इसके पीछे लॉजिक ये है कि आपकी बॉडी के लिए उपयोगी फॉर्म में कन्वर्टेड है, बायो अवेलेबिलिटी इनकी ज़्यादा हो जाती है। तो एलेक्स फ्लैक्स सीड का यूज़ जो है 1 teaspoon 2 times प्रिस्क्राइब किया हुआ है डॉक्टर्स एडवाइस में। तो आपको दिन में दो बार लेना है, और हो सके तो भोजन के 15 मिनट से लेकर आधे घंटे बाद तक इसका यूज़ करें। ये आपके डाइजेशन को भी प्रॉपर करेगा और बॉडी में ओमेगा 3 की रिक्वायरमेंट को भी कंप्लीट करेगा। अब बारी आती है माइंड पावर की। तो माइंड पावर जो है उसको 15 ml दिन में दो बार लें, और ये फ्लैक्सीड लेने से पहले लें। आप चाहें तो फ्लैक्सीड लेने का समय और थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं कि खाना खाने के आधे घंटे बाद लें, और माइंड पावर सिरप को है भोजन के तुरंत बाद आप ले सकते हैं। तो 15 ml दिन में दो बार। ऑर्थो ऑयल, मैंने आपको बताया ऑर्थो ऑयल की एक बॉटल 5 दिन से ज़्यादा लकवे के रोगी में नहीं चलना चाहिए, इतना कंजम्पशन आपको करना है। अभी एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन है लकवे के रोगी में कि आप उसकी रीढ़ की हड्डी की हल्के हाथों से ऑर्थो ऑयल से मसाज जरूर करें, और कम से कम 20 मिनट की मसाज बहुत ज़रूरी है। रीढ़ की हड्डी की मसाज करने से उसके जो न्यूरोलॉजिकल पाथवे हैं वो प्रॉपरली वर्क करना शुरू होंगे, नर्व इम्पल्स प्रॉपरली वहाँ तक जाएंगे और आपको रिस्पॉन्स बहुत जल्दी मिलेगा। तो जैसे किसी व्यक्ति का अगर मान लो हाथ लकवे में है, तो ज़्यादा हाथ पे मसाज करने के बजाय सर्वाइकल एरिया में अगर आप ऑर्थो ऑयल का एप्लीकेशन करेंगे और ज़्यादा समय सर्वाइकल एरिया में देंगे तो आपको रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा मिलेगा। अभी एक चीज़ और इसमें ध्यान रखने लायक है कि पेशेंट को मेंटली आपको स्ट्रॉन्ग रखना है, क्योंकि यदि पेशेंट की विल पावर जो है वो अगर कमज़ोर हो गई
तो ब्रेन के वापस से उस एरिया के डैमेजिंग होने के चांस भी बढ़ जाएंगे और साथ ही साथ डैमेज हुए पार्ट का रिकवर होना मुश्किल हो जाएगा। तो आपको उसको मोटिवेट भी करना ज़रूरी है। इसमें सुझाव क्या रहेंगे, तो पेशेंट को ये ज़रूर कहें कि आप बार बार प्रैक्टिस करें। यदि आपका पैर काम नहीं कर रहा है तो चलने की कोशिश करें, अपने पैर के मूवमेंट पे ध्यान दें कि पूरा पैर ज़मीन पे टिक रहा है या नहीं टिक रहा है, आपको घुटना मोड़ने में असुविधा तो नहीं हो रही है। तो जो चीज़ लॉस हुई है, जो चीज़ इस लकवे के अटैक से गई है, उसको रीस्टोर करने के लिए मेंटली आपको बहुत प्रिपेयर होना ज़रूरी है। दिमाग के उस हिस्से को याद दिलाना है कि किस तरह से लिखा जाता है, किस तरह से चला जाता है। अगर आप इस प्रकार से करते हैं तो आपको लकवे के पेशेंट में जो है बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। साथ ही जैसे मैंने बोला कि कई बार लिखना भूल जाता है आदमी, जैसे सिग्नेचर करना है तो कर नहीं पाता, हाथ के मूवमेंट्स जो है प्रॉपरली नहीं हो पाते, तो उसको राइटिंग सुधारने की सलाह दें। बाज़ार से राइटिंग सुधारने के लिए उसको कॉपी खरीद के दें, या उसको बोले कि आप बाज़ार से कॉपी खरीदें और पेंसिल और पेन का उपयोग करें और डॉट से वापस से मिलाने की कोशिश करें। एक स्पंज बॉल आती है उसमें जो है एक्सरसाइज उसको करने का कहें, क्योंकि एलेक्स के प्रोडक्ट ने ब्रेन के डैमेज को रिस्टोर करने का काम तो कर दिया, लेकिन वो हिस्सा अभी नया है, उसको पता नहीं है कि किस तरह से कुछ भी काम किया जाए। तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, अगर मरीज कुछ भी खाने पीने के लायक न हो, मतलब अगर उसको जो है ट्यूब डाल के फूड दिया जा रहा है, तो उसमें क्या किया जाए। देखिए, ब्रेन का हिस्सा जो है डैमेज जो हुआ है उसको रिस्टोर करने का काम मेडिसिन करेंगी। अगर बॉडी में आप मेडिसिन इंटर कर पाते हैं तो आपको आगे जाके ट्रीटमेंट करने में आसानी होगी। क्योंकि देखिए, जैसे ऑर्थो ऑयल है, मान लीजिए पेशेंट जो है ओरल मेडिकेशन नहीं ले पा रहा, तो ऐसे पेशेंट को आप पहले ऑर्थो ऑयल शुरू कीजिए, उसकी रीढ़ की हड्डी की प्रॉपरली एक घंटा मसाज कीजिए, पूरी बॉडी की मसाज कीजिए, जिससे उसके मसल्स में जो है स्ट्रेंथ आना शुरू होगी। लेकिन फिर भी आप बॉडी में जो भी काम होता है, जो भी प्रोसेस होती है, वो ब्रेन के इग्निशन से होती है। ब्रेन से उसका मैसेज उस पर्टिकुलर ऑर्गन को, हिस्से को जाता है और वो हाथ या पैर मूवमेंट कर पाता है, वो जीभ से बोल पाता है, ये सारी चीज़ें ब्रेन से जाती है। तो पहले उसके शरीर को जो है स्ट्रॉन्ग किया जाए, उसके मसल्स को जो है रिस्टोर किया जाए, और जब वो पेशेंट लिक्विड डाइट से आपकी मेडिसिन लेना शुरू करे, जैसे सर ने बोला लिक्विड डाइट, तो लिक्विड डाइट में आप सुपर बेरी जूस देंगे तो आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। आप जो टेबलेट, जैसे मैंने आपको बताया करक्यूमिन पावर देना है, तो करक्यूमिन पावर देने का तरीका यह होगा, उस करक्यूमिन पावर टेबलेट को आप फोल्ड लें, उसका पाउडर बना लें और उसको लिक्विड में पानी में घोल के और उसको आप दे सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप प्रयास करेंगे तो आपके प्रयास देख के मरीज में भी पॉजिटिविटी आना शुरू होगी। एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि लकवे का पेशेंट बहुत पुराना है तो रिजल्ट आने में थोड़ा समय लगेगा, और लकवे का पेशेंट 4 महीने 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं है, तो आपको रिजल्ट देखने में ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना होगा। लेकिन प्रॉपर मोटिवेशन और मेडिकेशन दोनों लकवे के पेशेंट में ज़रूरी होती है। आप एक चीज़ और विशेष ध्यान रखें कि जब आप उसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो उसको हर सप्ताह उसका एक वीडियो बनाने के लिए कहें। वीडियो बनाने से क्या होगा, छोटी चीज़ को आप एनालाइज कर पाएंगे उसको। जैसे मान लीजिए हाथ हिलना शुरू हुआ है, उसकी एक फिंगर की मूवमेंट है या उसके हाथों की मूवमेंट शुरू हो चुकी है, वो बोलने में इस तरह से बोलना शुरू हुआ है, ये सारी चीज़ें अगर आप विजुअलाइज करेंगे, आप इसका डेटा कलेक्ट करेंगे, तो आप उसको भी मोटिवेट कर पाएंगे कि आप में इतना इम्प्रूवमेंट हुआ है, और साथ ही आप उसका एनालिसिस भी कर पाएंगे कि हमने पर्टिकुलर 15 दिन दवा दी तो ये रिज़ल्ट मिला, 2 महीने बाद इतना रिज़ल्ट मिला। आज जो है हमारा टॉपिक जो है वो लकवा था, और लकवे के बारे में हमने जानकारी ली, इस्केमिक जो स्ट्रोक है या हेमोरेजिक स्ट्रोक, इसके बारे में जानकारी ली। आप लकवे का ट्रीटमेंट करते समय ये बात हमेशा ध्यान रखें, ट्रीटमेंट के साथ साथ उसके ब्रेन को प्रॉपर न्यूट्रिशन देने के साथ साथ उसके अभ्यास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो उससे पेशेंट से कहें, जैसे बेड रेस्ट पेशेंट है तो उससे कहें कि जितना भी वो मूवमेंट कर पाए, चाहे उंगली हिलाए चाहे हाथ हिलाए, और ऐसे में यदि उसके परिवारजन उसका सपोर्ट करते हैं तो वो ठीक होने की ओर जल्दी से आगे बढ़ पाएगा। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी से मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग संतुष्ट होंगे। आज के लिए पैरालिसिस के लिए इतना ही। तो मैं उम्मीद करता हूँ मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको समझ में आई होगी, आपको ज़रूरी सावधानियाँ भी मैंने बताई है। देखिए, ट्रीटमेंट करने से ज़्यादा ज़रूरी होता है ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाए और उसकी बाकी दिनचर्या को किस तरह से मॉडिफाई किया जाए। पेशेंट आपके सामने कुछ समय के लिए ही रहता है, 5-10 मिनट 15 मिनट, लेकिन उसके बाद की वो दिनचर्या अगर गलत तरीके से जीता है और वो कहीं मिस्टेक करता है तो सारा दारोमदार आपके ऊपर या एलेक्स के प्रोडक्ट के ऊपर आएगा।
तो मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि पेशेंट को जब भी आप मेडिकेशन प्रोवाइड करते हैं, सप्लीमेंट देते हैं, तो उसको अच्छे से समझाएं, उसको टाइम दें, उसका रूटीन सेट करें, और इसके लिए डॉक्टर से एडवाइस को बार बार पढ़ने की कोशिश करें, उसको समझने की कोशिश करें। तो थैंक यू वेरी मच सर, हैव ए नाइस डे, सुपर एलेक्स, गुड डे।